हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं यस सी वर्मा का। इसमें क्या है कि देखो, एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, पिवोटेड एट वन एंड, इज रोटेड विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है इन ए हॉरिजेंटल प्लेन, एंड टी वन टी टू विद द टेंशन एट द पॉइंट एल बाई फोर एंड थ्री एल बाई फोर अवे फ्रॉम द पिवोटेड एंड, ठीक है, अवे फ्रॉम द पिवोटेड एंड। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी वन एंड टी टू। देखो, एक बच्चा है जो इस क्वेश्चन को करेगा, एक बच्चा जो पहले से जिसको ये पता है कि जहाँ पर फोर्स लगाया जाता है, अगर कोई रॉड है तो ये रॉड, ये रॉड इस पॉइंट से अगर हिंज्ड है, इस पे ओमेगा से घूम रहा है, तो ये जो सपोर्ट है इस पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और यहीं पे ये सपोर्ट फोर्स लगा रहा है। तो किसी भी रॉड या वायर को जहाँ पर फोर्स लगाते हैं वहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होता है, और अगर मैं इधर जाऊँगा तो टेंशन डिक्रीज होगा, ठीक है ना। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे कि अगर एक रोप है, एक वायर है, और ये आदमी इस रोप को यहाँ से एक ब्लॉक से अटैच है ये रोप, ठीक है, और ये आदमी इसको यहाँ से एफ फोर्स लगा के पुल कर रहा है, तो सबको पता है कि यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होता है और यहाँ पर टेंशन मिनिमम होता है, क्योंकि जहाँ पर फोर्स लगाएगा वहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होता है। मॉलिकुलर लेवल पर जाके सोचो तो टेंशन इधर से इधर आएंगे, डिक्रीज होगा। अगर जिसको इतनी सी बात कॉन्सेप्ट पता है, पहला अप्रोच ये है, फर्स्ट मेथड मेरा ये रहता है कि बच्चों को शॉर्टकट एकदम, ठीक है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसे मैं शेयर करूँ। और मेरे बच्चे एक मतलब IIT में बहुत अच्छे अच्छे रैंक लाए हैं, तो वो शॉर्टकट तरीका अपना के बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो जहाँ पे ये पिवोटेड है तो इधर से इधर जाऊँगा तो टेंशन डिक्रीज होगा, तो एल बाई फोर पर टेंशन ज़्यादा होगा और थ्री एल बाई पे फोर टेंशन कम होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, और इसके सही होने के चांस नहीं है। तो अगर आप इतने से खुश नहीं हो, ये लॉजिक नहीं जानते हो, तो लेट अस कैलकुलेट। चलो, तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको, तो सबसे पहले देखो इसका करने का तरीका है, अगर किसी पॉइंट पे आपको टेंशन निकालना है तो रॉड को एक जनरल पॉइंट से काट देते हैं। ये रॉड है जिसका लेंथ एल है, और ये रॉड अपनी इस पिवोटेड एंड पे ओमेगा से घूम रहा है बच्चों, दिस इज रोटेटिंग। तो मैंने कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास, टोटल मास यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास वही मिड पॉइंट एल बाई टू पर है, तो एक जनरल डिस्टेंस से मैं रॉड को काट देता हूँ। मैं यहाँ से एक एक्स डिस्टेंस पे जाके यहाँ से अगर रॉड को काटता हूँ, ठीक है, तो देखना जब रॉड को कट रॉड कट जाएगा यहाँ से, तो हर पॉइंट पे जो टेंशन होता है, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ एक्स है, तो ये आ जाएगी एल माइनस एक्स आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे टेंशन टी वन टी इधर आएगा और इस पॉइंट पे टेंशन टी इधर आएगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर मैं काट दूंगा तो ये जो रॉड है पूरा, ये जो बच गया रॉड एल माइनस एक्स का जो बच गया, उसका ऐसे घूमेगा जैसे उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, मिड पॉइंट पे आएगा, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एल माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ से, ये एल माइनस एक्स बाई टू पे आ जाएगा ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस भी एल माइनस एक्स, ये डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों एल माइनस एक्स। देखो, हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, वो बहुत ही प्रिसाइज और ऑथेंटिक होते हैं, तो ये कोई लॉन्ग लपेट वाली बात नहीं करता हूँ मैं, ठीक है ना। बहुत अनुभव से हमने चीज़ें सीखी है, तो बच्चों के साथ मैं शेयर करता हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें सपोर्ट करें बच्चों। तो ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ये यहाँ से अगर ये एक्स डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे टेंशन टी है, तो इस टेंशन को मैं जनरल डिस्टेंस में लिखना चाहता हूँ। तो ये पूरा का पूरा रॉड ऐसे बिहेव करेगा जैसे इसका पूरा का पूरा एक पॉइंट मास, अगर मैं इस पूरे रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है मान लो, तो ये पूरा रॉड एक पॉइंट मास की तरह ऐसे सर्कल में ऐसे ओमेगा से घूमेगा, ऐसे ये पूरा जब रॉड घूमेगा तो वो पूरा पॉइंट मास, सेंटर ऑफ मास ऐसे घूमेगा। तो सेंटर ऑफ मास घूमेगा तो ये जो पूरा का पूरा जो टेंशन है इस पे, जो जनरल टेंशन है, तो इस वाले रॉड का मास एम और रेडियस ऑफ द सेंट, यहाँ से ये जो पूरा पूरा मैं पॉइंट मास मान लिया, सेंटर ऑफ मास, तो ये डिस्टेंस आर, ठीक है ना,
आर और ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, तो ये रॉड में टेंशन होगा, ठीक है ना। अगर इसको आप निकालने में सक्सेस हो गए तो आप सक्सेस हो जाएंगे। तो आर की रेडियस आर निकाला जा सकता, आर की वैल्यू कितनी होगी बोलो, ये वाली डिस्टेंस एक्स और प्लस एल माइनस एक्स बाई टू, तो ये डिस्टेंस एक्स प्लस एल माइनस एक्स बाई टू, दिया जाएगा 2x और प्लस एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, तो कुल मिला गया जाएगा यहाँ से एल प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू, ये तो अपना रेडियस आ गया। और मास, मास निकालोगे तो मास कैसे निकालते हैं भाई, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई छोटा लेंथ dx, तो मास पूरे रॉड का कैपिटल M पर यूनिट लेंथ L, और हमें कितने में चाहिए टोटल मास, इसका इस रॉड का टोटल मास जो रॉड रोटेट कर रहा है, जो काटने के बाद जो बचा है उसका लेंथ कितना है, एल माइनस एक्स, तो दिस इज द एम और ओमेगा सेम होगा, तो जो जनरल में टेंशन बनेगा तो मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई छोटा लेंथ एल माइनस एक्स, और आर आ जाएगा एल प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू, और ये ओमेगा का स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो फाइनली मुझे एक अच्छा सा एक्सप्रेशन दिखेगा, उस एक्सप्रेशन को मैं लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा एम अपॉन टू एल, और ये एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये जनरल एक्सप्रेशन है टेंशन का एक्स डिस्टेंस में, ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ टेंशन, जनरल टेंशन एट ए डिस्टेंस एक्स, एक्स डिस्टेंस पर टेंशन की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आप आप देखोगे तो पहला जो पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू कितना है बोलो, तो एक्स इक्वल टू एल बाई फोर है, तो एक्स इक्वल टू एल बाई फोर पर मान लेते हैं टेंशन T1 होगा, तो कैपिटल एम और टू एल, और यह आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर अपॉन ये 16, और ये ओमेगा का स्क्वायर। तो फाइनली अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 15 15 एम एल ओमेगा का स्क्वायर अपॉन 32 आ जाएगा, ये वाली चीज़। दूसरा एट ए डिस्टेंस कितना दिया था बोलो, देखो 3L/4 था, तो 3L/4 पे मान लो टेंशन T2 आ गया, तो यह आ जाएगा एम अपॉन 2L, तो पहले जमा पड़ा था, और यह आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस 9L/2, 9² / 16, और ये ओमेगा का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 9x 16 में से 9 कम हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 7M एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन 32। तो ये अब देखो टेंशन का कंपेयर करोगे तो पहले वाला जो टेंशन है वो ज़्यादा आ रहा है, मतलब टेंशन T1 इज ग्रेटर देन T2, और आना भी चाहिए, किसी और पॉइंट पे आप कंपेयर कर सकते हो हर पॉइंट पे, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो बेहतर तरीके से। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तो आप हमारे साथ बने रहो मेरे प्यारे बच्चों, आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।